सो क्या आपको डैंड्रफ है और आप ये शैम्पू, ये हेयर पैक, ये हेयर मास्क लगा के थक गए हैं? डैंड्रफ थोड़ा बहुत ज्यादा तो है बट फिर वापस आ जाता है, तो मेरी आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सो हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रंजना एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल रंजना ओरा। सो गाइज, जो भी व्यूअर मेरे चैनल पे आज न्यू है उन्हें मैं बताना चाहूंगी गाइज कि माय चैनल इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट अ वुमन इन। तो आपके यहाँ पे शॉपिंग और मेकअप वीडियो, बहुत सारे DIY और साथ ही साथ जानने को मिलते हैं नॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के रिव्यू भी। यहाँ पर आपको दी जाती है जेन्युइन सलाह। सो गाइज, सबसे पहले तो उन व्यूअर्स को थैंक यू सो मच गाइज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। एंड जो भी व्यूअर न्यू है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है गाइज कि ये टोटली फ्री है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि अब फ्यूचर में आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गाइज, डैंड्रफ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सभी को कभी ना कभी फेस करनी ही पड़ती है। कोई भी इंसान हो गाइस, कभी ना कभी उसने डैंड्रफ जरूर फेस की होगी। और जैसे ही हमको डैंड्रफ होता है, हम अपना हेयर फॉल भी फेस करते हैं, क्योंकि गाइस डैंड्रफ क्या होता है, आपके बालों की जड़ों को कर देता है बहुत ज्यादा कमजोर। और स्पेशली गाइस, जो भी मानसून होता है और जो विंटर्स होता है उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स हमें ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो हमारा क्लाइमेट होता है उसमें होती है बहुत ज्यादा मॉइस्चर, जिससे हमारे किसी भी एरिया में फंगस बढ़ता है। जो डैंड्रफ होता है वो एक तरह का डेड सेल्स होता है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक इसका बेहतरीन सॉल्यूशन, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसमें आपका 50 पैसा भी नहीं लगना है, क्योंकि आपको मार्केट से कुछ भी बाय ही नहीं करना है इस सॉल्यूशन को, इस रेमेडी को बनाने के लिए। और इस रेमेडी को जानने के बाद आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि आखिर मैं इतना सब कुछ कर चुका हूँ, आखिर मुझे ये रेमेडी पहले क्यों नहीं पता थी। क्योंकि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है, 3 to 4 वॉशेस में गाइस या 3 to 4 एप्लीकेशन में आपका डैंड्रफ हमेशा के लिए चला जाएगा। और वन वॉश में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपका डैंड्रफ काफी हद तक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ रिलीफ मिल गया है हमको डैंड्रफ से। बट आपको 3 to 4 करना है ताकि डैंड्रफ वापस पलट कर भी ना आए। सीवियर से सीवियर हेयर फॉल या सीवियर से सीवियर डैंड्रफ जिनको होता है वो इसको जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका जो डैंड्रफ है वो आपका जिस रीजन से आ रहा है ये उसका सॉल्यूशन है गाइज। ओके, तो नाउ गाइज, अब फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि डैंड्रफ का सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन गाइज बहुत ही ज्यादा इजी बीजी सा है। आपको क्या करना है गाइज, देखिए डैंड्रफ डेड सेल्स होती है और ये आपके स्कैल्प पे चिपकी होती है। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रोसेस करना है रेमेडी को बताने से पहले। तो आपको क्या करना है गाइज, बहुत अच्छे से कॉम्बिंग करनी है, या आप अपने नेल्स को बहुत हल्के से यूज कर सकते हैं और इस तरह से स्कैल्प से उस डेड सेल्स को हटा सकते हैं। देखिए ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये आप कॉम से भी कर सकते हैं, नेल से भी कर सकते हैं, बट हार्श दोनों ही केस में नहीं होना है, ठीक है गाइज। बहुत ही आहिस्ता से आपको स्कैल्प से उस डैंड्रफ को, उस डेड सेल्स को ढीला करना है और हटाना है। तो ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप गाइज। नाउ अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 2 में गाइज आपको लेना है सरसों का तेल। जी हाँ, मैंने कहा ना कि कुछ भी नहीं खर्च होना है आपका, मार्केट से कुछ एक्स्ट्रा बाय नहीं करना है, आपको लेना है सरसों का तेल। किचन में गाइज हम सभी के लिए अवेलेबल होता है, तो आपको लेना है सरसों का तेल। पता नहीं क्यों मैं आज इतना ज्यादा हुम्बल कर रही हूँ। आपको लेना है गाइज सरसों का तेल, एंड सरसों के तेल की जगह पे अगर आप ऑल्टरनेट मांगेंगे तो नो गाइज, कोई ऑल्टरनेट इसका नहीं है, क्योंकि सरसों का तेल आपके हेयर फॉल पे भी कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ डैंड्रफ भी हटाएगा। और डैंड्रफ जब हट जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका हेयर फॉल कम होगा। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट लेना है आपको सरसों का तेल। यस, नाउ अब बात करते हैं गाइस आपके इंग्रेडिएंट नंबर 2 की। तो इंग्रेडिएंट नंबर 2 जो है वो अगेन आपके किचन में अवेलेबल है, जो कि गाइस लेमन, नींबू। यस गाइस, सिर्फ और सिर्फ 2, ये 2 इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट आपको चाहिए। और आपको क्या करना है गाइस, जितना भी आपके सर में ऑयल की नीड है उतना ऑयल आपको लेना है, और जितना आपको ऑयल लेना है इक्वल प्रोपोर्शन में आपको लेना है लेमन का जूस। जी हाँ, लेमन के जूस को अच्छे से आप स्क्वीज कर लीजिए। और अब आपको क्या करना है, इस सरसों के तेल में इस लेमन के जूस को डालना है। और डालने के बाद देखिए गाइस, एक लिक्विड है एक ऑयल है, मिलेगा नहीं ना। तो आपको क्या करना है, अपने हाथों की गर्मी से खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है। जब आप इसको काफी टाइम तक इस तरह से करेंगे तो इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा और ये काफी हद तक एक दूसरे में मिल जाएगा। अब ये जो मिश्रण रेडी हुआ है गाइस, आपको क्या करना है, आपको इस मिश्रण को अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। रेमेडी आपने जान ली,
एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इस ऑयल को बहुत अच्छे से, चाहिए तो किसी का भी आप हेल्प ले सकते हैं, बट आपको अपने स्कैल्प पे बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही अच्छे से इसका एप्लीकेशन करना है। इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा, गाइस देखिए, एक करते हैं हम ऑयलिंग, एक करते हैं थोड़ी सी हैवी ऑयलिंग। तो आपको क्या करना है, इससे अपने स्कैल्प पे अच्छी सी हैवी ऑयलिंग करनी है। हैवी ऑयलिंग इसलिए मैं कह रही हूँ गाइस, क्योंकि ये जो ऑयल और ये जो कहते हैं लेमन का मिश्रण है, ये आपके डैंड्रफ को ढीला करेगा, ये आपके स्कैल्प से पूरी तरह से डैंड्रफ को निकालेगा, और जब आप इसके बाद हेयर वॉश करेंगे तो ये हेयर वॉश में बाहर हो जाएगा। इस तरह से अगर आप इसके चार एप्लीकेशन करते हैं तो आपके स्कैल्प की जितनी डैंड्रफ है, जितनी रेड सेल्स है, वो डे बाय डे साफ हो जानी है और आपका स्कैल्प हो जाना है डैंड्रफ फ्री। ठीक है गाइस, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद कम से कम गाइस इसको 2 घंटे के लिए आपको अपने स्कैल्प पे ऐसे ही छोड़ देना है। 2 घंटे का टाइम मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि जो प्रोसेस मैं चाहती हूँ या जो प्रोसेस हम चाहते हैं, जिसके लिए हमने ये रेमेडी कहते हैं अप्लाई की है, वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, आपका वो क्या करेगा, ढीला करेगा, रूसी को फुला देगा, एक ग्रीसी तरह के मिक्सचर में उसको बदलेगा, और जब आप शैम्पू करेंगे तो ये शैम्पू के साथ में आउट हो जाएगा। 2 घंटे के बाद आपको शैम्पू करना है, और जब आप शैम्पू करेंगे उसके बाद अपने बालों को आप प्लीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ड्राई मत कीजिएगा। सिंपल सनलाइट में, सूरज की रोशनी में, सूरज की धूप में अच्छे से इसको अपने हेयर को आप सुखा लीजिएगा। दैट्स इट। ठीक है गाइस, पहले ही वॉश में आपको लगेगा कि यार इसका जो सॉल्यूशन था वो इतना बिद्दू सा था, मैंने क्यों नहीं इसको पहले से ट्राई किया। बट अब तो पता चल गया ना कि ये कितना इजी है गाइस डैंड्रफ को अपने स्कैल्प से बाहर करना। तो फटाफट से गाइस, अगर आप डैंड्रफ फेस कर रहे हैं तो इस रेमेडी को ट्राई कीजिए। रेमेडी पसंद आती है, आपके लिए वर्क करती है, तो प्लीज 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 इसको दूसरों से जरूर शेयर कीजिए। अपना एक्सपीरियंस यहाँ लिखिए गाइस, जिससे दूसरों को भी कहते हैं इससे हेल्प हो कि हाँ ये वर्किंग रेमेडी है, ये जो रेमेडी है ये ट्राइड है, टेस्टेड है, मैं 1000 बार इसको ट्राई कर चुकी हूँ। इवन ये जो रेमेडी है गाइस, ये मेरी मॉम मुझे बचपन से ही करती आई है, जब भी उनको मेरे स्कैल्प में डैंड्रफ दिखा है। तो ये थी गाइस मेरी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मिलता है बहुत ढेर सारा मोटिवेशन। मुझे मिलता है बहुत ढेर सारा मोटिवेशन आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाने में। तो नाउ गाइस, अब मैं करती हूँ बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल।